हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ की रसोई। आज हम बनाएंगे समोसा, बाजार जैसे समोसा। समोसा सभी को ही अच्छा लगता है और घर में बनाने से थोड़ा सस्ता पड़ता है। मन भर के आप समोसा खा सकते हैं। इसका लिए हम आलू ले लिए हैं, अदरक, हरी मिर्च, पचफोड़न और मसाला लिए हम धनिया 3 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर। इसमें धनिया का मात्रा थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब हम कुकर में आलू डाल के आलू को बॉईल कर लेंगे। आप सब भी घर में अपना ट्राई करिएगा। समोसा बहुत ही सस्ता पड़ता, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इधर हम अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिए हैं। आलू मेरा इधर बॉईल हो गया है। अब सभी आलू को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और छिलका छिल के इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। इधर हम कढ़ाई में तेल चढ़ाए हैं, तेल गरम हो गया, पचफोड़न डाल देंगे और सभी मसाला का हम पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे। इसको भी डाल के हम भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ आलू का टुकड़ा डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक, अदरक, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। आप लहसुन भी डाल सकते हैं। देखिए मसाला मेरा बन गया, बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगता है इस मसाला। अब इधर हम मैदा ले लिए एक बर्तन में, ऑयल डाल दिए, स्वाद अनुसार नमक और मंगरेला। मंगरेला हम यहाँ थोड़ा ज़्यादा यूज किए हैं, या हम लोग को मंगरेला बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी देके मैदा को गूंथ लेंगे। मैदा मेरा गूंथा गया है अच्छा तरह। अब हम इसका छोटे छोटे लोई काट लेंगे। हम यहाँ सिंघाड़ा का छोटा छोटा ही बनाएंगे, बड़ा बड़ा ज़्यादा नहीं बनाएंगे। आप बड़ा बनाइएगा तो लोई बड़ा बड़ा लीजिएगा। अब हम बीचों बीच इसको काट के दो भाग कर लेंगे। अब पानी दे के इस तरह मोड़ लेंगे। तो मसाला बनाए थे आलू का, उसको हम इसमें डाल देंगे। डाल के फिर इसको हम मुंह बंद कर देंगे और मोड़ देंगे। इसी तरह हम बाकी सिंघाड़ा का भी आलू भर के बना लेंगे। कढ़ाई में हम ऑयल डाले हैं, ऑयल गरम हो गया। अब सिंघाड़ा को अच्छा से तल लेंगे। अच्छा से लाल लाल करके तलने से खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब ऊपर तल में हम निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी सिंघाड़ा को भी हम छान लेंगे। मेरा सिंघाड़ा बन गया, आप सभी को कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।